कल हमने फोटो के साथ साक्ष्य दिए थे कि हरियाणा से जब पानी आता है पूरा आता है, और दिल्ली में पानी आते ही वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है, और वो सारा जो टैंकर माफिया है दिल्ली सरकार के संरक्षण में, जल बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। तो आज हमने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि हर वो टैंकर माफिया, हर वो भ्रष्ट अधिकारी या हर वो दिल्ली सरकार का है, जो मंत्री हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पानी की चोरी जो कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, जो एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस से की। कल हमने एविडेंस दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि मुनक नहर पे जब पानी आता है हरियाणा द्वारा तो वो पूरा आता है, और दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकारी 9 तारीख को जाके चेक करते हैं, वो पाते हैं कि पानी पूरा आ रहा है, लेकिन मुनक से ककोरी आते आते बीच में से पानी गायब हो जाता है। वाटर टैंकर की हमने फोटो दिखाई है, वाटर टैंकर माफिया वहाँ खड़े होकर पानी लिफ्ट कर रहा है, तो वो कौन है वो टैंकर माफिया? वो दिल्ली सरकार के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो भ्रष्ट है, जो पानी लूटने का, पानी बेचने का, पानी चोरी का काम कर रही है, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है कि दिल्ली पुलिस एक निष्पक्ष रूप से जांच करे, और जो जो इसमें दोषी है वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो या जो भी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। वो स्टिंग ऑपरेशन भी हमने देखा है, और उसका भी हमारी जो शिकायतों उसमें जिक्र है, और हमने उसका भी प्रूफ उसको दिया।